वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गर्मियों के लिए ठंडक देने वाली मिठाई, जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने एक कटोरी फुल मखाने डाले हैं और इसको हम करेंगे रोस्ट मीडियम फ्लेम पे, गैस के मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे हल्का सा। इसको हिलाते जाना है बीच बीच में। जब ये थोड़ा सा रोस्ट हो जाए तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे। अब मैंने लिया है एक चम्मच घी, उसमें मैं डालूंगी गोंद कतीरा। ये फूलेगी नहीं क्योंकि ये पानी में फूलती है, तो इसको हमने हल्का सा रोस्ट करना है। मैं इसके बीच में ही ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है, काजू बादाम पिस्ता, वो आप डाल सकते हैं इसमें। खरबूजे के बीज भी डाल सकते हैं, तो वो मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको भी हम रोस्ट कर लेंगे इसी में। फिर इसका भी हमने पाउडर बना लेना है ठंडा करके। मैंने लिया कढ़ाई, उसमें मैं डाल रही हूँ एक कप पानी का। उसमें मैं डालूंगी एक कटोरी गुड़। तो गुड़ मैंने पीस के डाला है ताकि जल्दी वो पानी में मिक्स हो जाए। तो इसको कर लेंगे हम पानी में मिक्स अच्छी तरह से। जब ये पानी में घुल जाए तब हम इसमें डालेंगे जो मखाने का हमने पाउडर बनाया है, वो हमने इसमें डालना है पहले। अब इसको अच्छी तरह से कर देंगे इसमें मिक्स। मैं डाल रही हूँ इसमें गोंद कतीरा, जो हमारे ड्राई फ्रूट थे उसका पाउडर बनाया, वो करेंगे इसमें मिक्स। अब तो मैंने गैस का फ्लेम अभी लो ही रखा हुआ है। तो अभी हम इसको ठंडा कर लेंगे और प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, हाथों से मिक्स करेंगे ठंडा होने के बाद। तो मैं अब इसको हाथों की मदद से मिक्स कर रही हूँ। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है तो आप इसमें 2 चम्मच दूध के डाल सकते हैं। ठंडा दूध डालना है, गर्म दूध नहीं। मैंने 1 चम्मच ही दूध का डाला था, तो मैंने मिक्स कर लिया। देखो कितना सॉफ्ट है। अब हम इसको मनचाहे आकार में इसको शेप दे सकते हैं। तो मैं पहले आपको एक पेड़ा बना के दिखाती हूँ, राउंड वाला बना के दिखा रही हूँ। तो इसको ऐसे हम रोल कर सकते हैं, आप चाहे तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं। अब एक मैं आपको सिलेंडर टाइप बना के दिखाती हूँ। ये खाने में जितने पौष्टिक है, स्वाद में भी उतने ही लाजवाब है और शरीर के लिए और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है।
इसमें मैंने ऐसा कुछ नहीं डाला जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह हो, तो आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो अभी मैंने दूसरी शेप बनाई है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी मैं एक तोड़ के भी दिखा रही हूँ कितना अंदर से सॉफ्ट है। देखिए कितना सॉफ्ट है अंदर से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।